कार्तिक आर्यन अपनी अपकमिंग फिल्म भूल भुलैया 2 के चलते लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इसकी वजह ये भी है कि फिल्म में लीड एक्टर का रोल अक्षय कुमार के बजाय उनके द्वारा प्ले किया जाना, जिसको लेकर लगातार कहा जा रहा है कि कार्तिक आर्यन ने ये रोल अक्षय से छीन लिया। ऐसे में लगातार दोनों की तुलना की जा रही है, जिस पर अब आखिरकार कार्तिक आर्यन का रिएक्शन भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने जो बयान दिया है उससे लग रहा है कि उन्हें खुद को अक्षय से कंपेयर किया जाना पसंद नहीं आ रहा है। उनका रिएक्शन सुन लोग अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट्स के जरिए रख रहे हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और बताएं कि कार्तिक आर्यन ने क्या कहा है, अगर आपने हमारे चैनल एनएन बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहां दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। गौरतलब है कि फिल्म भूल भुलैया 2 जल्द ही रिलीज होने वाली है। ऐसे में फिल्म की पूरी टीम प्रमोशन में व्यस्त है। हाल ही में ट्रेलर के रिलीज के बाद जब कार्तिक, कियारा आडवाणी और अन्य क्रू मेंबर्स प्रमोशन के लिए पहुंचे तो उस दौरान एक्टर से ये सवाल किया गया, जिस पर जवाब देते हुए कार्तिक ने कहा, मैं उनकी भूमिका की तुलना अपने से नहीं करना चाहता, वो बहुत बड़े हैं और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन भूल भुलैया से मुझे उनका किरदार काफी पसंद आया था, मैं उन्हें देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, इसलिए ये बेहतर है कि हम तुलना न करें। वही एक्टर ने आगे कहा, मैं उन्हें एक अभिनेता के रूप में प्यार करता हूँ, मुझे लगता है कि हम जितना कर सकते थे हमने किया है। बेशक शीर्षक वही है, कुछ चीजें पहली फिल्म के बारे में पुरानी यादें पैदा जरूर करेंगी, लेकिन बहुत सी नई चीजें भी हैं जो मुझे उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएंगी। हमने भूल भुलैया 2 में जो भी बनाया है वो काफी हद तक नया है, तुलना होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भूल भुलैया 2 को एक नई और अलग फिल्म के तौर पर भी याद किया जाएगा। वहीं जब फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाजमी से सवाल किया गया कि अगर इसके सीक्वल में अक्षय और विद्या बालन को लिया जाता तो, जिस पर उन्होंने कहा, अक्षय कुमार एक शानदार अभिनेता है और हमारे बीच अच्छी दोस्ती है, लेकिन विद्या और वह स्क्रिप्ट में फिट नहीं हुए, उनके साथ काम करना फायदेमंद होता, लेकिन स्क्रिप्ट के मुताबिक ये सही नहीं था, राजपाल यादव को छोड़कर सभी किरदार फ्रेश हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।